नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। आत्महत्या के कारण सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद सभी चर्चाओं में भाई भतीजावाद की बहस शीर्ष पर बनी हुई है। इस स्थिति का सामना करने वाले कई कलाकारों ने इसके बारे में अपनी बात रखी है। मुंबई पुलिस दिवंगत अभिनेता सुशांत से संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज करके मामले की जाँच कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे भी इस बहस में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि मनसे के वीपी वागे सारस्वत ने कलाकारों से अपील की है कि वे आगे आएं और अपनी समस्याओं को साझा करें। अगर इंडस्ट्री में ऐसी किसी भी स्थिति का सामना कोई कर रहा है तो पार्टी उचित कार्रवाई करने का दावा भी कर रही है। उन्होंने कहा, अगर किसी गुट की ओर से किसी कलाकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है और फिल्म उद्योग में किसी को परेशान किया जा रहा है तो कलाकार को मनसे से संपर्क करना चाहिए। राज ठाकरे की पार्टी भाई भतीजावाद का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ा सबक सिखाएगी। मनसे नेता ने यह भी उल्लेख किया कि मुंबई पुलिस को हर किसी की जांच करनी चाहिए, चाहे वो भंसाली हो या कोई और। उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है। पुलिस को हर किसी से भाई भतीजावाद पर सवाल करना चाहिए, वह भंसाली या कोई भी हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो जांच चल रही है, ऐसा लगने लगा है कि अब वो सही दिशा में जाएगी और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। इस इंडस्ट्री के चाहे कितने भी बड़े तोप क्यों ना हो, अगर वो शक के दायरे में है तो उनकी जांच की जानी चाहिए। भंसाली हो या अंसाली हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। और हमने पहले ही कहा है, मनसे की भूमिका है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपसे कोई काम छीनने की कोशिश कर रहा है, आप अगर नेपोटिज्म के शिकार हो रहे हैं तो हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करें, हमारे पास आए। राज ठाकरे जी आपको हर हाल में न्याय दिलाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसा नेतृत्व है जो न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे आते हैं। राज ठाकरे जी पे यकीन कीजिए, और कोई भी आपको अगर परेशान करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए आप पहले तैयार रहिए, और फिर हमारी ताकत को इस्तेमाल करके जब हम तो एक हो जाएंगे, हम सबकी ताकत बन जाएगी, तब हम ऐसे लोगों को सबक सिखा सकेंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तानी कलाकारों के मामले में राज ठाकरे जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और भविष्य में भी न्याय मिलेगा लोगों को, ये हम आपसे वादा करते हैं। गौरतलब है कि एक्टर की मौत के बाद उनके पिता के सिंह ने अवसाद से पीड़ित अभिनेता के बारे में जानकारी नहीं होने दी। उद्योग में कुछ सहयोगियों ने सुशांत के जीवन में कठिन दौर से गुजरने का दावा किया था। ज्ञात हो, सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने बांद्रा स्थित आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।